मैं हूँ अमोल और आज तारीख है 1 अक्टूबर 2021 और आज का दिन बड़ा खास है। आज है नेशनल वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे और सबसे खास बात है इस दिन की खासियत ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में खून की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वही समझाने के लिए आज का दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे खास बात 1975 से जो है इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई और मैंने कहा कि इतना अच्छा दिन है तो कोई खास मेहमान हमारे साथ होना चाहिए, तो हम लोगों को ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ी। ऐसा कहते हैं कि आमतौर पर जब भगवान का दर्शन करना हो तो मंदिर जाना पड़ता है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी उल्टी थी। एक बहुत ही खास मेहमान से, मैं कहूँगा इंसान से हम मिले और सबसे खास बात है कि तकरीबन 109 बार जो है वो ब्लड डोनेट कर चुके हैं। वैसे तो वो हमारे मध्य रेलवे में वरिष्ठ अनुवादक के तौर पर काम करते हैं लेकिन अभिनय में उन्हें बड़ी रुचि है, तो मैंने कहा चलो भैया क्यों ना हो इस दिन की खासियत को ध्यान में रखते हुए उनसे मुलाकात क्यों ना करें। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, मैं चाहूँगा वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे। तो हमारे साथ है डॉक्टर बालकृष्ण महाजन। तो क्या बात है, तो बालकृष्ण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि मैंने कहा कि आज का दिन बड़ा खास है और आज आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल। 109 बार ब्लड डोनेट किया, याद है आपको सबसे पहली बार कब ब्लड डोनेट किया था आपने? मैंने 1978 में जब मैं NCC नेवल विंग में था। अच्छा। तो हम लोग फायरिंग के लिए भंडारा जा रहे थे। ओके। तो बीच में क्या हो गया, हम ट्रक से जा रहे थे, बाजू में जैसे आ गए भंडारा से 10 किलोमीटर पहले ही एक हमारे रोज सड़क दुर्घटना पर हुई थी, उसमें कार में काफ़ी लोग हताहत हुए। तो उनको जो हम उनको देखते हम रुके, उन्होंने बोला उनको दवाखाने भर्ती किए, तो डॉक्टर बोले उस समय वार्म ब्लड चलता था, जैसा एक खून अपनों को लगा रहे डायरेक्ट उनको लगता था। अच्छा। उस समय ऐसा जाँच नहीं होती थी, तो उन्होंने बोला कि ये मरीज है, बहुत ही मुश्किल है इनका जीना, आप अगर इनको ब्लड देते हैं तो हम कोशिश करेंगे। तो 3-4 लोग हम आगे आए थे, उसमें से मैं हूँ, उस समय मैं 18-19 साल का था, तो तब से मेरा पहला योगदान वहाँ रहा। फिर हमने 4 लोगों ने हमने कसम खाई कि अपने सामने अगर ऐसे कोई मरीज आते हैं जिनको खून की ज़रूरत है तो अपन तुरंत दे देंगे। तो मेरे साथ वाले तो बहुत सारे अभी कोई बीमारी से ग्रस्त है, कोई नहीं है, मैं अकेला उस NCC का एक मात्र कैडेट हूँ। तो मैंने अभी तक 109 बार ब्लड डोनेट किया है। और अगर मैं गलत नहीं तो आपकी उम्र जो है तकरीबन 60 से 65 साल है? नहीं, मेरी उम्र अभी 59 साल आपकी एज है। हाँ। और 18 साल की उम्र में आपने पहली बार जो है खून दिया था। खून दिया था। आमतौर पर जब भी हम किसी से ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि क्या तू खून देगा क्या, तो थोड़ा डर जाता है, सहम जाता है। आपको कभी डर नहीं लगा कि यार मैं बार बार ब्लड देता हूँ तो? देखिए, इसमें थोड़ा जोश नाम का जो अपने इसमें रहता जोश रहता ना, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर अभी हमें लगता है कि वो खून हो गया, हमने दे दिया, वो मरीज लोग बच गए, उसके बाद हमारा कैंप फायर था आखिरी समय, वो लोग आए ढूंढते ढूंढते, तो उन्होंने हमें उस समय 50 रुपये। अच्छा। और एक मेडल दिया और हमें इतना उत्साहित कर दिया खून देने के बाद, हमको कोई लगा नहीं था अभी वो तो भूल गया, अपना भी भूल गए थे, लेकिन जब उन्होंने सत्कार किया तो उससे लगा कि आगे कुछ करना चाहिए। तो तब से अभी तक मेरा लगातार प्रयास जारी है। डर तो निकल गया था उसी समय जब उनकी आँखों में मैंने देखा जो भाव पड़े, जो बच गए थे उनके भाव पड़े, तो उसके बाद ऐसा लगा कि आपने कुछ भी नहीं है खून देना, लेकिन जान बचने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब से मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ। मैं ये कहूँगा पुरस्कार की आपने बात कही तो आपका प्रोफाइल में पढ़ रहा था, तो कई सारे पुरस्कार आपको मिले हैं। हर बार जब 25 हुए तब मिले, 50 हुए तब मिला, 95 तब, कैसा लगता है जब हर बार इस तरीके का आयोजन होता है? आज भी 1 अक्टूबर है और हमने खास बुलाया आपको, तो ऐसे मौके पर आपको बुलाया जाता है? आप सही कर रहे हैं, पुरस्कार मिलने से आदमी का प्रोत्साहन और बढ़ जाता है। अच्छा। जैसे 25 बार मुझे मेडिकल कॉलेज में बुलाया था तो उस समय भी उन्होंने वही कहा था कि आगे आप क्या करेंगे, मेरा आगे मेरा जो काम है मैं करूँगा, पुरस्कार मेरा लालच नहीं है, लेकिन आपने सम्मानित किया है तो उसके मेरी और मेरे इसमें उत्साह संचारित हो गया। उसके बाद 50 बार हमारे GM साहब ने मुझे ये सम्मानित किया, सर्टिफिकेट 500 रुपये और गोल्ड मेडल दिया था। उसके बाद फिर 75 चलते रहा, फिर हमारे जो जीवन ज्योति ब्लड बैंक है उन्होंने मुझे रक्त एम्बेसडर का एक अवार्ड दिया 2018 में, और एक जयपुर में उम्मीद करके एक संस्था है, वो हैंडीकैप लोगों की संस्था है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सम्मानित किया।
बोले आप लोग अभी भी जारी रखेंगे कि क्या करेंगे? बोला मतलब मेरा तो जारी है, जब तक दे सकता हूँ खून दूंगा, जब तक मेरे बॉडी में खून किया एक एक कतरा बाकी रहेगा तब तक मैं ब्लड दे दूंगा डोनेट। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग बड़े डरते हैं, तो हमारे कई सारे यंगस्टर्स होंगे, मेरे उम्र के बच्चे हैं, थोड़ा डरते हैं खून देने से। और इनको देखिए 59 साल की एज है, और सबसे खास बात यह है इनकी कि 18 साल की उम्र में पहली बार खून दिया था। शायद हम तो अभी सुई लेने से भी डरे। तो हमारे ऐसे दोस्तों से और बच्चों से आप क्या कहेंगे? देखिए डर तो लगता ही है, मेरा एक कहना है कि डर के आगे जीत है। अगर एक बार आपका डर निकल गया, अच्छा, और आप जब जिसको आपका खून जा रहा है उसकी आंखों में अगर आप वो पढ़ लेंगे बातें, तो आपका डर निकल जाएगा और आप हमेशा देते रहेंगे। मैं पढ़ रहा था तो सिर्फ नागपुर ही नहीं, मुंबई, पुणे, हाँ, और ऐसे अलग अलग शहरों में आप जाते तो प्लान करके जाते कि सडनली खून देना पड़ता है, सडनली, या फिर आपको इनवाइट करते हैं? कभी इनवाइट भी हो जाते हैं, कभी सडनली, अच्छा, लगता है कि वहाँ पे दिल्ली गया था रेडक्रॉस, जहाँ मुझे दिखा तुम घूम रहे थे तो रेडक्रॉस लगा, तो चलो खून देना चाहिए, वहाँ पे मेरा ड्यू था। अच्छा। हर 3 महीने में मुझे देता हूँ मैं, अच्छा, तो 3 महीने हो गए थे, अब देखा रेडक्रॉस संस्था दिख रही दिल्ली की, तो वहाँ देना चाहिए, तो गया दे दिया और वहाँ से निकल भी गए। वैसे तो पुणे में भी रेडक्रॉस में दिया मैंने, मद्रास में भी दिया, और ऐसा चलता रहा मेरा प्रयास। जहाँ भर दूसरे शहर में जाता हूँ तो अपने एक निशान छोड़ जाता हूँ, वहाँ का सर्टिफिकेट मेरे पास रहता है, ऐसा चलते रहता है। मैं ये कह रहा था कि लोगों को बड़े अलग अलग शौक होते हैं, आपको तो बहुत ही अलग शौक है, वो भी खून देने का, हाँ, जो कि समाज के लिए और बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहूँगा घर वाले दोस्त क्या कहते कि यार तू कहीं भी जाता तो खून देकर आता? देखो विरोधी दल तो घर में भी रहते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप बंद कर देना चाहिए। बहुत लोगों ने मुझे सलाह भी दी, आयुर्वेदिक ऐसा कहता है, वो लोग ऐसा है, मैंने बोला एक बार आप खून देने के बाद जिसको खून जा रहा है उसकी आंखों में आप बातें पढ़ लेंगे, उसकी खुशी की जो बातें आंखों में दिखी देती है, तो आप सब भूल जाएंगे। बोला फिर तो मैंने ऐसे काफ़ी गरीब लोगों को काफ़ी खून दिया जिसके पास खाने पीने का नहीं था। एक ये था, गार्ड था, सुरक्षा गार्ड था, अच्छा, वो आया मेरे घर ढूंढते ढूंढते, तो उन्होंने बोला ऐसा चाहिए, मेरी बीवी बहुत बीमार है, खून की ज़रूरत है। मैंने ठीक है दिया मैंने तुमको, तो उसके बाद उसने आंखों में आंसू देखे, मैंने आंसू देखने के बाद मेरा भी दिल थोड़ा ये हो गया, मैंने बोला एक खून की देने के लिए इसकी जान बच गई, इसके आंखों में अपन क्या क्या नहीं पड़े अपने, तो उसके कारण मेरा डर भी निकल गया। मैं युवकों से ये करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप भी किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर अपना खून दें, और उसकी आंखों में जो बात पड़ेंगे तो आपका उत्साह और बढ़ जाएगा। 109 बार आपने ब्लड दिया, तो 109 बार के 109 किस्से होंगे, लेकिन आधे घंटे में सारे किस्से तो पॉसिबल नहीं, दो ही किस्से पूछूंगा। बिल्कुल, जो आपको जिंदगी भर हमेशा याद है, ऐसा कोई एक किस्सा बता रहे, एक ऐसा किस्सा कि जब भी याद करते तो हंसी आती है, यार ये क्या कर दिया मैंने? नहीं ऐसे किस्से तो नहीं है, लेकिन लगा था मैं कुछ अपने मित्रों को ऐसे ही प्रोत्साहित करके, अच्छा, चलो अपन ब्लड देने जाएंगे, बोला शिविर था रक्तदान शिविर, तो मैं बोले आप देंगे पहले तो हम देख सोचते हैं, बोले ठीक है तो मैं पहले देता हूँ आप, बिल्कुल उनका चेक वेक सब कर लिया मैंने, अच्छा, और वो देने के लिए राजी भी हो गए। जैसा मैंने दिया जैसा बाहर आता था ये लोग गायब। अरे बोला ऐसा क्यों, बाद में भी नहीं, बोले हमको बहुत डर लग रहा था, बोले कि कैसे दूँ, मतलब एक बार आपने दे दिया था ना तो आपका डर भी निकल जाता। लेकिन आप शुरू तो करिए, कहीं भी आपको शुरू करना है, कभी आपके ऊपर ऐसी आपत्ति आ गई नहीं, मेरे सामने वैसे भी कुछ आ गए थे, मैंने कुछ लोगों को ब्लड मेरा 3 महीना होने के थे, मैंने बोला मैं उनके साथ गया, बोला देखो आपका मरीज है आप इसको देना है आपको, मैं आपके सामने बोला दीजिए कुछ नहीं होगा, एक सुई चुभेंगी या जैसे चिट्ठी काटती है बोला वैसी सुई लग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ब्लड डोनेशन हो गया। बिल्कुल, तो फिर कुछ लोग तैयार भी हो गए मोटिवेट से, बहुत अच्छी बात रही। मैं ये कहना चाहूँगा बहुत सारी गलत भ्रांतियाँ होती है लोगों में कि अल्कोहल लेने के बाद ब्लड नहीं दे सकते, कुत्ता काटने के बाद ब्लड नहीं दे सकते, या फिर ये खून चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा, तो थोड़ा ये जो गलत धारणा है युवकों में और लोगों में, चाहूँगा थोड़ा दूर करें कि क्या क्या ज़रूरी होता है जब आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि सुबह नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, आपका बीपी शुगर नॉर्मल होना चाहिए, तो थोड़ा वो भी बताइए। जैसा देखिए खून देने के पहले तो आपका थोड़ा नाश्ता खाना पीना जरूरी है, हो सकता है आपका पहले दूसरी बार दे रहे होंगे या 4-5 बार 10 बार दे रहे होंगे, तो खून देने के बाद वो नाश्ता करेंगे तो आपका पेट में रहेगा तो आपको चक्कर नहीं आएगा, नहीं तो थोड़ा सा चक्कर आने लगेगा तो आपको वो ग्लूकोज वगैरह मिल जाएगा, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं चाहिए, नाश्ता अच्छा कर लेना चाहिए। और लोगों में जो भ्रांतियाँ है कि खून देने से ये आती है, क्या बोलते हैं, कमजोरी आती है, बिल्कुल नहीं आती। आपको 24 घंटे बाद आप देख लीजिए और ज़्यादा फुर्ती आप आ जाएंगे आप में, तो खून देने से ऐसा कुछ
कमजोरी आती नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ही देख लीजिए, मैं 59 बार अभी वर्ष का हो चुका हूँ और कभी कमजोरी महसूस ही नहीं किया। देने के बाद और मुझे अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। और क्या बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके बारे में पढ़ रहा था मैं, तो 109 बार आप खून दे चुके, मध्य रेलवे में भी आप काम करते, तो कैसे बैलेंस करते और आप घूमते भी रहते हैं। हाँ। तो अपनी नौकरी, अपना काम और उसके साथ ये ब्लड डोनेट करने का भी काम, तो मैनेज कैसे कर लेते? और इससे जुड़ा अगला सवाल पूछूंगा मैं। बिल्कुल, तो मैनेज तो करना ही पड़ता है। कभी कभी मुझे छुट्टी भी लेनी पड़ती है कि अभी जैसा अभी ज़रूरत कैसी है, किसी मरीज को देना बहुत सीरियस है, उसके देर पर अपना काम नहीं चलेगा, तो छुट्टी लेके भी मैं वहाँ चला जाता हूँ। अब रेलवे में क्या, अभी इसके लिए स्पेशल सुविधा की, स्पेशल सेल की भी सुविधा है। अच्छा। आप ब्लड डोनेट का तो आप स्पेशल सेल मिल सकती है, लेकिन वो क्या शिविर रहता उस समय मिलती है। अगर भी आप अलग भी देते हैं ना, तो लेकिन बाकी लोग जो है उसमें जरा कोसते हैं, अरे तो बार बार छुट्टी लेता है, ब्लड देता छुट्टी लेता है, बहाने बना देता है। बोला वैसा नहीं, जब जरूरत है तो जरूर जाऊँगा छुट्टी लेके, वो छूले में जाए। बहुत अच्छी बात की। मैंने पढ़ा अभिनय की भी रुचि है आपको। हाँ, तो फिर ब्लड डोनेशन, मध्य रेलवे और फिर अभिनय, तीनों चीज़ें बड़ी अलग अलग। तो 18 साल के बाद जैसे ब्लड डोनेशन वगैरह शुरू हुआ, उसके बाद मुझे नाटक में ऐसा काम करने का मौका मिला, राज्य नाटक में। तो मेरा 5 मिनट का छोटा सा रोल था एक इंस्पेक्टर का, तो मेरे जैसा मेरी एंट्री आ रही थी तो इतना डर गया था, पर इतने काँप रहे थे मेरे, मैंने बोला अभी अगर मैं डर गया और एंट्री नहीं किया तो फिर कभी मैं आगे नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने फिर एंट्री किया तो काफ़ी लोग मेरे जो डरते हुए मेरे, उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर कैसे डर रहे, तो उन्हें काफ़ी हंसी लोग, तो उससे मेरा डर निकल गया। उसके बाद मैंने कम से कम 450 नुक्कड़ नाटक, हमारे रेलवे के भी नुक्कड़ नाटक खेले हमारे, ये भाई जरा देख के चलो करके, जो संपा फाटक रहते ना पहले, उसमें गेट आदमी नहीं रहता था, तो वहाँ पर हम 350 प्रयोग किए। मेरे खुद के भी अभी 9 पुस्तक है, तो उसमें 2 पुस्तक ऐसा है कि यहाँ हवा भी बिकती है, ये दिल्ली के जो प्रदूषण के बारे में वो लिखा किताब है मेरी, ऐसे बहुत सारे 2-1 किताब का तो राज्य शासन का अकादमी अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र हिंदी अकादमी का, ऐसे चलते थे। मैंने बैलेंस रखा, नुक्कड़ के समय नुक्कड़, ब्लड डोनेशन, लेखन के समय लेखन, तीनों भी मेरे गतिविधियाँ चल रही है, जैसा समय आता वैसा उसको करना था। मैं वही सोच रहा था इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं हम, तो एक ही चीज़ ठीक से मैनेज ना हो। मैं ये कह रहा हूँ पुरस्कार की बात आपने की, मैंने देखे कई सारे पुरस्कार मिले, तो सबसे खास पुरस्कार कौन सा है जो आपके दिल के बड़े करीब है और जो आपको लगता है ये मैं डिजर्व करता हूँ और ये मुझे मिला? महाराष्ट्र शासन का साहित्य अकादमी अवार्ड। अच्छा। जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, मेरी एक दिशा उन्होंने बदल दी, सोच बदल दी, और आगे भी मैं अभी बम्बई का हो गया मेरा, अब मैं दिल्ली का भी साहित्य अकादमी का अवार्ड लेने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। 9 पुस्तक में से बहुत सारे पुस्तकें तो मेरी अच्छी है कि जो अवार्ड ला सकती है, लेकिन कुछ कुछ प्रावधान भी रहते हैं, व्यवधान भी आते हैं उसमें, तभी रिटायर होने के बाद मेरा वो लक्ष्य वही रहेगा। एक तो ज़रूरतमंद को ब्लड दूंगा ही मैं, जब तक दे सकता, 65 तक तो मुझे डॉक्टर ने बताया है दे सकते आप स्वस्थ है तो, और ये मेरा है। नुक्कड़ तो हम खेलते रहते, अभी हमारा एक 15 अगस्त के दिन एक जो बच्चे स्कूल के घर में उब गए हैं वो कोरोना के कारण, तो उनके ऊपर मैं वो मोबाइल का कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं उसके बारे में मेरा आज़ाद नई आज़ादी की ओर एक नुक्कड़ नाटक भी मेरा अभी यूट्यूब पे आ चुका था। अच्छा, आ चुका है, अभी उसको कम से कम 1000 के करीब लाइक मिल चुके, वो भी काम मेरा है। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। क्या बात है, ब्लड डोनेशन के लिए भी आपको कई सारे पुरस्कार मिले, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को उस बारे में बताइए। बहुत कम लोगों को पता होगा कि किसी को ब्लड डोनेशन करने के लिए भी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा सकता है, और ऐसे ही हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, तो थोड़ा उस पुरस्कारों के बारे में बताइए बालकृष्ण जी। देखिए, सबसे पहले जब 25 रक्तदान हुआ तो मुझे मेडिकल कॉलेज का लोगों ने, डीन थे
उन्हें आपने किया है तो आप आइए हमारे कार्यक्रम रखा है, तो उन्हें सम्मानित किया, उत्साह बढ़ने लगा। फिर 50 के करीब हुआ तो मुझे मध्य रेलवे के हमारे महाप्रबंधक थे, उन्होंने सम्मानित किया, तो आप 50 बार हो गया। तो उसके 75 के बाद फिर ऐसा लगा कि उम्मीद करके एक जयपुर में हैंडीकैप लोगों की संस्था है, तो उन्होंने भी वो ऐसे चुनते लोग देश में से कि जो विशेष कार्य क्या कर रहे हैं, तो मैंने अपना ब्लड डोनेशन का भेज दिया था, तो उन्होंने काफ़ी सम्मानित किया। बोले फिर मुझे वहाँ से इतनी अच्छी प्रेरणा मिली कि जो हैंडीकैप इतने दिल से काम जो कर रहे हैं, तो हम तो अच्छे स्वस्थ हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, अपने लोगों में कुछ आलस से भरा हुआ है उसके कारण, और कुछ एक मनगढ़ंत कहानियाँ भी रहती हैं उनके मन में, ऐसा कैसे होगा, मेरे से होगा नहीं, ये नहीं, तो बात सब निकाल दिया। अब 100 बार होने के बाद हमारे डीआरएम साहब ने विशेष अपने साथ खड़े होकर फोटो निकाला, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा करते कि यात्राएं बढ़ती रही, पुरस्कार चलते रहे। ब्लड डोनेशन करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन खुद का फिटनेस भी रखना बहुत जरूरी है, खान पान का भी ध्यान रखते हैं, तो दिनचर्या कैसे होती है, खान पान का कैसा ध्यान रखते हैं, खुद को फिट कैसे रखते हैं? देखो खान पान तो अपना जो आप नॉर्मल लोग जो खाते हैं वैसे ही है ना, अपना जो शाकाहारी खाना है सबसे बेस्ट वही है, और इसके बाद अब फिटनेस है कि सुबह भी योग घूमने जाते हैं, योगा करते हैं, वो एक घंटा रहता ही अपना 11 के बाद योगा वगैरह, तो उसमें दिन भर अपनी ऊर्जा अपने शरीर में रहती है, दिन भर भी आपको थकान नहीं रहती। जैसा ऑफिस करने के बाद भी मेरे बहुत सारे अभी और मैं लिखान में कहीं लाइब्रेरी में बैठता हूँ 9-10 बजे तक, फिर कभी नुक्कड़ नाटक कर रहा तो वो रिहर्सल भी करते हैं ऑफिस छूटने के बाद, तो उत्साह रहता है कि आपको खाना भी आपका वेज रहा तो बहुत अच्छा है, और दूसरी बात है अपना फिटनेस के लिए आपको योगा वगैरह करना बहुत ज़रूरी है, तो आपका मस्तिष्क भी अच्छा रहता है, मन में विचार भी अच्छे रहते हैं, और दिन भर आपके फुर्ती रहेगी। तो 109 बार आपने ब्लड डोनेट किया, 65 ईयर्स की एज तक भी आपको ब्लड डोनेट करना है, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाद आप ब्लड देते हैं, या फिर जब कोई शिविर रहा, कोई प्रोग्राम रहा या ज़रूरत रही उसके हिसाब से ब्लड देते हैं कि आपका डिसाइडेड है कि इतने पीरियड के बाद मुझे देना ही है? ऐसा मानक तो ऐसा है सुना जो डॉक्टर मुझे बताते हैं कि 3 महीने के बाद आप दे सकते हैं। राइट राइट, उसके बाद फिर जरूर देखता हूँ मैं, जरूरतमंद है बहुत ही गरीब है जिसके यहाँ कोई बाहर से वो इतना खरीद नहीं सकता, उसके कम से कम टेस्टिंग के पैसे लगते हैं उनको, लेकिन ब्लड के नहीं लगेंगे कम से कम, उतना तो उसका बच जा सकता है, अब फिर आपकी वो कहाँ दौड़ेगा, तो उसको मैं पहले प्रेफरेंस देता हूँ, पहली बार उसको देने का बाद उसके बाद फिर ऐसा दिखता है कि कहीं ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है तो वहाँ भी फिर मैं कोई ऐसा कोई समय नहीं रहा तो मैं कैंप में देता हूँ, फिर हमारे लोग उसने प्रोत्साहित होते। पहले हमारा ब्लड डोनेशन हुआ था रेलवे में 1900 जैसा, मैं यहाँ पे 95 में आया था नागपुर में, तो उसमें से कम बस 12-13 लोग रहते थे, फिर अच्छा। किस किस के लाने के बाद 25 होते थे, आज वो स्थिति है कि हमारे यहाँ 100 के करीब लोग ब्लड डोनेशन के लिए लाइन के तैयार रहते हैं, ये बहुत अंतर पड़ता है उसमें, आप करेंगे तो आपके पीछे बहुत लोग आते हैं, बिल्कुल देखता है ये कर रहा है, इनको कुछ नहीं होता मुझे क्या होगा। हाँ। करो मैं ये कहूँगा कि ब्लड डोनेशन करना एक बहुत ही अच्छी बात है और समाज को बहुत प्रेरक भी होना चाहिए, और इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सारे कैंपेन्स जो है वो रन किए जाते हैं, साल में 2 बार जो है, एक बार जून महीने में और अभी एक अक्टूबर महीने में, हम लोग ब्लड डोनेशन में लोगों के प्रति जागरूक होने के लिए अलग अलग डेज जो है वो भी सेलिब्रेट करते हैं। हाँ। आपने भी कई सारे लोगों को प्रेरित किया होगा, उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? उनका तो देखते हैं जबके सामने अगर रोल मॉडल है, अच्छा एक होना चाहिए प्रेरणा, बिल्कुल होना चाहिए प्रेरणा वाला करने के, आपके जैसे मेरे सामने साहित्य अकादमी कुछ पुरस्कार वाले लोग मेरे सामने रोल मॉडल है मेरा, वो बस उनके तरह मुझे बनना है, उसमें क्या क्या मुझे कमी है तो उनका देखते पढ़ूंगा फिर अपने वो सुधार लाऊंगा, तो वैसा रोल मॉडल अगर आपके सामने है जनमानस में, अभी मैं रेलवे में हूँ तो रेलवे कर्मचारी जो साथ में मुझे देखते हैं कि 100 बार इन्हें दिया तो भी स्वस्थ फिट है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो ये रोल मॉडल बहुत जरूरत है ना, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहती है और वो करते हैं, फिर जब इन्हें किया तो मैं भी करूँगा। बिल्कुल, लोगों को मोटिवेशन की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, करना बहुत कुछ चाहते हैं लोग लेकिन कहीं पुश नहीं मिलता, तो हमारे साथ नागपुर में खास इतने खास मेहमान हैं डॉक्टर बाल कृष्ण जी, जो लोगों को हमेशा ही पुश करते रहते कि ब्लड डोनेट करिए, बहुत अच्छी बात है। इतनी सारी बार आपने ब्लड डोनेट किया है, रिएक्शन तो कई सारे मिले होंगे, कोई अच्छा रिएक्शन या आपको याद है जब आपने ब्लड डोनेट किया और आपको मिले हो कि बहुत अच्छा? नहीं मिला, वैसे तो बताओ तो कैंप में भी मिला, जैसे शिविर होते उस समय कभी मैं मेडिकल कॉलेज के पेशेंट को पता चला पेपर में पढ़ लिया कि इनको ब्लड की ज़रूरत है, तो वहाँ जाने के बाद मैं गया ब्लड दिया निकल गया, तो उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर वहाँ पर आते दिखते पता, वहाँ पर उन्होंने पता किया बुलाने आए, अरे हम आप हमसे मिले ही भी नहीं, बोले अच्छा, बोला मुझे मिलने की क्या ज़रूरत है, आपका पेशेंट को ब्लड मिल गया खत्म हो गया, मेरा काम मैंने कर दिया मैं चला, मैं ज़्यादा रुकता नहीं फिर वहाँ पर, लेकिन वो आए ढूंढते ढूंढते
बोले आपका धन्यवाद तो मुझे देना जरूरी है, हमारा पेशेंट तो बच गया है। बोले कि धन्यवाद, फिर वो धन्यवाद अपने लिए आशीर्वाद का काम करता है। तो अभी भी स्वस्थ है, जब तक दे सकूंगा और खुद देते रहूँगा। क्या बात है, हम भी शुभकामनाएं देंगे आपको कि ऐसे स्वस्थ रहे आप। हाँ। और आपकी सारी मुरादें जो है वो पूरी हो। मैं ये पूछना चाहता था, भगवान ना करे ऐसा कभी मौका है, मेरे दिमाग में सवाल था इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ कि आपको खून की ज़रूरत पड़ी है या आपके किसी दोस्त को, रिलेटिव को, और तब आप अरेंज ना कर पाए हो या फिर इजीली अरेंज हो गया? एक मेरा, जैसे मैं रेलवे में हूँ तो मैं विद्युत लोको शेड में काम कर रहा था, मेरा एक खास मित्र ही था, उसके लड़का एमिनिक था, तो उसको तुरंत ज़रूरत थी 3 बोतल की, तो पहले मेरे पास आया तो मैं तुरंत बोला चलो अपने, मेरी गाड़ी में बैठाया उसको, दवाखाने में ले गया, ब्लड दे दिया, और बाद में 2 लोगों को अरेंज भी किया। अरेंज करने का उसका काम तो निकल गया, लेकिन कभी मुझे तो अभी तक लगा नहीं कि भगवान करे न लगे मैं किसी की मदद करूं, मेरी मदद कोई नहीं करे। तो उसका होने के बाद फिर वो बहुत ही, उसके घर वाले इतने फ्रेंड हो गए, बोले चलता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने खून दे के कोई बड़ा एहसान नहीं किया, लेकिन 2 अरेंज हो गए थे, ऑटोमेटिक हो गए, पता चला तो वो भी लोग आ गए। मैंने थोड़ा बड़ा था ऐसा करना है भैया आप लोगों, किसी की जान बचाने की, एनिमिक है, तो वो भी साथ साथ मेरे को देखते हुए बराबर वो भी आ गए, दे दिया, खत्म हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रेज भी करना बहुत अच्छी बात होती है। वो रोल मॉडल देखते हैं, मैं बता ना, रोल मॉडल अगर मैं जो आपके साथ हूँ, मैंने एक दो बार दिया, कभी आपको अगर मौका आया कि आपको भी देना है, बिल्कुल आप भी प्रेरित हो जाएंगे, जाके दे देंगे। बिल्कुल, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लोगों को, और हमारे बालकृष्ण जी जो हमेशा ही लोगों को मोटिवेट करते हैं, खुद तो खून देते ही देते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं कि ये मतलब आप भी जो है खुद ब्लड दीजिए। प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में आए हैं, गिने चुने एक दो सवाल जो है वो मैं बालकृष्ण जी से पूछूंगा। मैं ये कहूँगा कि नई जनरेशन, आज इतना अच्छा दिन है, मैंने कहा कि आज 1 अक्टूबर है और नेशनल ब्लड डोनर डे जो है वो हम सेलिब्रेट करें वॉलंटरीली, वो भी कि आप स्वयं आकर दीजिए, तो इस मौके पर आप हमारे जो युवा हैं जो हमें देख रहे हैं तो उनसे क्या कहेंगे आप, अपने इतने साल का जो एक्सपीरियंस है उससे? नहीं, उन्हें तो बिल्कुल करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना है, कुछ नहीं होगा, एक बार आपको चिट्ठी काटे समान लगेगा, लेकिन जब आप 24 घंटे आपके हो जाएंगे तो वही आपके इसमें इतनी स्फूर्ति आ जाएगी कि मेरा खुद का अनुभव है, आप एक बार करके तो दीजिए, देखिए आप ब्लड देने से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, और जो आपका 300 सीसी ब्लड है वो भी 24 घंटे के बाद 2-4 दिन में वापस भी आ जाता है और फ्रेश आता है, जैसा अपना कुआ है, मैं उनको उदाहरण दूँ, हमेशा जाता हूँ तो पानी फिर कुआ, सड़ा कुआ पानी है उसमें कभी निकालते नहीं तो पानी उसका शुद्ध रहता, पीने लायक नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हमेशा उसको कुएं को पानी खींचते रहेंगे तो पानी पीने लायक रहेगा, उस तरह ब्लड का भी है, कुर का क्यूरीफायर होना बहुत जरूरी है कि यार 3-3 महीने आप देंगे नया ब्लड आएगा और नया उत्साह रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, युवकों ने बिल्कुल देना ही चाहिए, किसी की जान बचानी चाहिए, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मैं ये पूछना चाहता था, सर्टिफिकेट्स कई सारे जमा हो गए होंगे, ट्रॉफीज कई सारे, तो 24 घंटे दिमाग में ब्लड डोनेशन ही चलता रहता है कि फिर परिवार काम वाम भी थोड़ा चलता है कि हमेशा ब्लड डोनेशन देना है? ब्लड डोनेट, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी 3 विधा पर मैं ज्यादा फोकस किया है। अच्छा, एक नुक्कड़ नाटक, एक लेखन और एक ब्लड डोनेशन। अच्छा, जैसे समय समय पर ये तो काम मुझे करना ही है, इसके बाद परिवार की तरफ भी ख्याल करना है, तो कभी कभी उनके उनको बोलते हैं कि हमारे समय आप क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो तो उनकी तरफ आप सब छोड़ दो हमारे साथ रहो, बोला देखिए एक समाज का ऋण रहता है अपने ऊपर, अगर हम नहीं करें आगे आएंगे तो दूसरा कौन आएगा, हम अगर आगे आएंगे तो 10 लोग हमारे से पीछे पीछे आ जाएंगे, एंड ये परंपरा चलनी चाहिए। यही हमारा भी मकसद है कि आज का ये प्रोग्राम देखे, हमारे बालकृष्ण जी को आप देखे, उम्र के 59 ईयर्स हो गए और 109 बार जो है ब्लड इन्होंने डोनेट किया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रोग्राम देख रहे हैं और एक भी बार ब्लड डोनेट नहीं किया हो, तो देखिए, दूसरों की मदद करिए और खुद जो है खुद भी मुस्कुराइए। प्रायोरिटी क्या है फिर, नौकरी तो आप कर रहे हैं तो नौकरी के बारे में मैं पूछूंगा नहीं, और तीनों में से अगर आपको एक चीज, शायद इसका आंसर भी मेरे को पता है फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि तीनों में से एक चीज अगर आपको चुनना हो, लिखान भी मतलब लिखते भी आप बहुत अच्छा है, प्रायोरिटी तो रक्तदान, किसी की वो जान बचाने वाला काम है, उसके बाद हम लोग को समाज का अपना एक ऋण है, तो उनको अपन किसी नाटक द्वारा हम उसको अगर ये करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि ये चीज गलत है ये सही है। अब जैसे दिल्ली में प्रदूषण है काफी, बिल्कुल, मैंने यहाँ हवा भी बिकती है, जैसे हम आजकल हम ATM से पैसे निकालते हैं, कल जाके ऐसी स्थिति हवा भी हमको ATM से
करनी पड़े। आ गई कोरोना में तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहां ऑक्सीजन कोरोना को भी हमने किया है, नुक्कड़ नाटक रेलवे में किया बहुत सारे। ज्वलंत विषय देख के उस पर करता हूँ, वो भी एक समाधान अच्छा मिल जाता है। दूसरा मेरा वो काम रहता है लिखान का, फिर चलते रहता है। शॉर्ट नोटिस पर बालकृष्ण जी आप आए, हमारी ऐसी ही बात हुई, हमने बहुत दिनों से प्लान करके रखा था और एक दिन पहले ही मैंने इन्हें बताया कि हम करते हैं शूटिंग और वो आ गए। तो बालकृष्ण जी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, और आपका जो सपना है 65 साल तक ब्लड देने का, तो मैं चाहूंगा कि वो सपना आपका जरूर जो है वो पूरा हो। सबसे खास बात आप स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और जो भी आपने सपने देखे हो मेरे ख्याल से अपनी लाइफ में सभी अचीव कर लिया आपने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आप हमेशा ही खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आज के इस प्रोग्राम में जो कि हमने आज के इस खास मौके पर आपके लिए आयोजित किया था, आपके लिए हमने प्रसारित किया, आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर ये प्रोग्राम देख के आप प्रेरित हुए होंगे तो ज़रूर जाइए, कभी ब्लड डोनेट कीजिए, दूसरे के चेहरे पर आप भी थोड़ी सी मुस्कुराहट ज़रूर लाइए। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मैं अमोल आप लोगों से विदा लेता हूँ, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, यही हमारे साथ VKB न्यूज़ पर जुड़े रहें। ऐसे ही कई सारे रंगारंग, कुछ अच्छे और कुछ मनोरंजन से भरपूर प्रोग्राम हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।